वाला था दम, ओके, उसमें मैं बैठी थी एंड आई गॉट माय पे लिटरली 4 days बिफोर एवरीबडी एल्स डिड एट वर्क. सितंबर, सितंबर की पे आपको अब मिली है, जस्ट 4 days बिफोर. जी बाजी, हेलो. हेलो. जी हाँ जी, सो सितंबर में आई गॉट माय पे 4 days बिफोर द होल ऑफ द कंपनी. ऑल राइट, बिफोर सितंबर में. ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है. तो अभी लास्ट मंथ जो दिसंबर था, आई गॉट माय पे अगेन अ वीक बिफोर रेस्ट ऑफ द कंपनी डिड. गुड, यू आर गेटिंग योर पे अर्ली. एंड वो एक आंटी आई थी, वो अचानक ही आके पैसे दे के चली गई है मुझे. उनके बेटे की शादी हुई थी. ओके, रेज रेज नहीं हुआ है? जी रेज हुआ है पे में? नो नॉट येट. फिर रेज की करें आज, डू फॉर रेज. अभी तो कंपनी वालों ने मुझे ईमेल भेजी है थैंक यू की. दे हैव गिवन मी, दे हैव गिवन मी अ बोनस एंड आल्सो शेयर्स इन द कंपनी. तो फिर इसका मतलब ये कि ये तो अच्छा काम हो गया ना. वो जो है क्या कहते हैं, जो कुछ कर रहे हैं देन कंटिन्यू डूइंग, डोंट स्टॉप, ठीक है ना. ठीक है. और दूसरा ये बात सुनानी थी आपको कि मान का रिश्ता हो गया है. किसका है रिश्ता? वसीम भाई का? तुम्हारा? नोमान का. नोमान का, अच्छा ठीक है. मैंने कहा शायद वसीम भाई की शादी करवाती हूँ रिश्ता वेडिंग के लिए. हाँ ठीक है ठीक है, गुड है गुड है गुड है. घर का क्या हुआ, हो गया? हेलो 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 जी बाजी, घर का पूछ रहे हैं. घर का जी, घर सेल पे लगा, अभी सोल्ड नहीं हुआ. ठीक है, हो जाएगा. टाइम लगता है इन चीज़ों में, स्पेशली इन यूके एट दिस करंट टाइम एंड मार्केट. ठीक है. और दूसरा ये कि नुमान का रिश्ता हो गया है. ठीक है, ये तो अच्छी खबर है, गुड न्यूज़ है.